मंडी में कासरिया चंद्रावत में संविधान के निर्माता दलितों के मसीहा और मानवाधिकार आंदोलन के प्रकांड विद्वता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। बाबा साहेब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे, बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। यही वजह थी कि समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, महिलाओं को सशक्त बनाया था। आज ग्राम पंचायत कासरिया चंद्रावत में इस साल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्यामलाल जोगचंद्र, पूर्व नगर अध्यक्ष चोथमल गुप्ता, पूर्व सरपंच श्यामलाल लकुम, बंसीलाल पाटीदार, मान सिंह चौहान मोंगिया समाज, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भगत राम डाबी, कांग्रेस नेता कसरूलाल चंडावत, समाज सेवी बद्रीलाल धनगर, जनपद सदस्य श्यामलाल मालवीय, जनपद सदस्य प्रकाश राठौर, काचरिया चंद्रावत सरपंच प्रतिनिधि ईशु धनगर, उप सरपंच प्रतिनिधि पंकज कुमार पवार सहित सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप उज्ज्वल कर बड़ी धूमधाम से इस जयंती को मनाया गया। इस अवसर पर कई ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मल्हारगढ़ से ईश्वर पवार की रिपोर्ट। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जी की जो 132वीं जयंती के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ग्राम पंचायत काचा चंद्रावत में मनाई जा रही है। निश्चित तौर पे बाबा साहब ने अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति की मदद करी थी और इसी का जो संदेश है यही है कि बाबा साहब कहते थे कि समता मूलक शोषणहीन समाज की स्थापना हो और निश्चित तौर पर जो जातिवाद का भेदभाव है ये खत्म हो। इसी तौर पर आज बाबा साहब जी की जो 132वीं जयंती की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जयंती का आयोजन आज कासरिया चंद्रावत में आसपास क्षेत्र के सारे नागरिकों ने और गणमान्य नागरिकों के बीच में आज यहाँ संपन्न हुआ। निश्चित रूप से बाबा साहब अंबेडकर मानव जाति को एक ऐसा संदेश देते थे कि सारे संपूर्ण मानव जाति के लोग एक होकर के काम करें। जो हमारा भाई बहुत पीछे रह गया है उस भाई को भी आगे आकर के सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की जो इंसान जाति है उस जाति के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में लगातार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर जो उंगलियां उठाई जा रही है, जो लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है बाबा साहब अंबेडकर के करोड़ों करोड़ों अनुयायी है इस हिंदुस्तान में और वो सब लोग मिलकर के बाबा साहब अंबेडकर के इस भारत के संविधान को आँच नहीं आने देंगे। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर की जो संविधान को खतरा पहुंचाने की कोशिश करी और उसके हाथ लगाने की कोशिश करी तो वो हाथ जला देंगे।